हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और टेस्टी सी रेसिपी लेकर। एक नींबू और मिर्ची के अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के खाने के टेस्ट के अंदर एक और फ्लेवर ऐड कर देगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने नींबू और मिर्ची के अचार की रेसिपी। सबसे पहले हम अपने नींबू को और मिर्च को अच्छे से धो लेंगे और फिर उसको इस तरीके से सुखा के और कपड़े से काफ़ी अच्छे से पोंछ लेंगे, क्योंकि अगर हमारे अचार में थोड़ी सी भी नमी रह जाएगी तो अचार जो है हमारा जल्दी ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए हमने इसको बिल्कुल सुखा के और फिर ही आगे का प्रोसेस करना है। मैंने यहाँ पर 800 ग्राम नींबू लिए हैं और यहाँ पे मैं 300 ग्राम हरी मिर्च का प्रयोग कर रही हूँ। इसमें जो हमारे नींबू हैं इस तरीके से थोड़े से ग्रीन ही होने चाहिए, और जो एक यहाँ पे पीला नींबू है इसको मैं ऊपर से निचोड़ने के काम में यूज़ करूँगी। इसको मैं अचार के अंदर बाद में डालूँगी। तो ये सारे नींबू मैंने काफ़ी अच्छे से धो के सुखा लिए हैं। अब बारी आती है इनको कट करने की। तो इनकी कटिंग, क्योंकि यह नींबू काफ़ी बड़े हैं तो इसको मैं इस तरीके से कट करूँगी। अगर आपके पास छोटे नींबू है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको साइज़ रखना है आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको कट कर सकते हैं। नींबू यहाँ पे मैंने बिल्कुल डायरेक्ट किसी से पेड़ से तोड़ के मंगवाए थे, तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक नींबू है। मतलब जो पेड़ से उगे हुए होते हैं वो बिल्कुल प्रॉपर तोड़ के और उसके बाद मैं डायरेक्ट इनको वॉश करके और बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। मतलब मैंने कोई इनको मार्केट से नहीं ख़रीदा है, तो इसलिए ये काफ़ी बड़े साइज़ के नींबू थे। सारे नींबू को मैं इस तरीके से अच्छे से कट कर लूँगी और उसके बाद इस तरीके से देखो काफ़ी अच्छे से हमारे जो नींबू हैं वो कट हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं इनको रख दूँगी साइड पे और इसके बाद करूँगी मैं हरी मिर्ची को कट। तो हरी मिर्ची जो है ये भी मैंने काफ़ी अच्छे से धो के सुखा ली थी और इनके सारे डंठल मैं हटा दूँगी साइड पे और इनको जैसे साइज़ के अकॉर्डिंग इस तरीके से, जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहे ना, इस तरीके से मैं इनको कट कर लूँगी। नींबू और मिर्च हैं जो काफ़ी अच्छे से कट चुके हैं दोनों चीज़ें। अब इनको एक बर्तन के अंदर निकाल लूँगी इकट्ठा और इसके बाद इसके ऊपर नमक डालूँगी। तो नमक इसके ऊपर मैं 4 चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे 800 ग्राम नींबू लिए थे और 300 ग्राम हरी मिर्चें ली थी। तो आप जितना वज़न ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग नमक को घटा और बढ़ा ले सकते हो। उसके बाद से मैं एक सूखा हुआ जार ले रही हूँ, मतलब मैंने प्लास्टिक का जार लिया है और जिसको मैंने धोकर सुखाकर काफ़ी अच्छे से रख दिया था। उसके बाद जो नींबू और मिर्च में मैंने नमक लगा के रखा था उसको यहाँ पे इसके अंदर जार के अंदर फिल कर दे रही हूँ और सिर्फ इसको हमने 24 घंटे के लिए इसी तरीके से इसके अंदर ढक्कन लगा के छोड़ देना है। अब ये सारे नींबू और मिर्च हमने इसके अंदर काफ़ी अच्छे से भर के रख दिए हैं। एक जो मैंने पीला वाला नींबू जो था पहले बचा के रखा था उसको काट के मैं इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से पूरा रस निचोड़ दूँगी और उसके फिर टुकड़े इसी के अंदर डाल के इस तरीके से काफ़ी अच्छे से हिला के, ताकि जो नींबू का रस है वो सारा ऊपर से नीचे तक मिक्स हो जाए और नमक भी इवनली सारी तरफ स्प्रेड हो जाए। तो इस तरीके से मिक्स करके और इसको रात भर के लिए मैंने छोड़ देना है। अब अगले दिन मैं कर ले रही हूँ मसाले की तैयारी। जो नींबू में हमने मसाला ऐड करना है, तो मैंने एक प्लेट के अंदर लिया है 4 चम्मच सौंफ और 4 चम्मच ही मैंने राई के लिए हैं। इसके बाद 3 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है, 2 चम्मच मैं साबुत धनिया लूँगी यहाँ पर और बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर अजवाइन ऐड करूँगी इस तरीके से। अब इन सभी मसालों को हमने गैस पर एक पैन गरम करके और उसके अंदर हल्का सा एक फ्रेग्रेंस आने तक इनको सौटे कर लेना है। लगभग 2 मिनट का टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर हम इनको पकाएंगे तो मतलब भूनेंगे तो ये जल जाएंगे और इनके अंदर का जो फ्लेवर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो हम सिर्फ इनको 2 मिनट तक यहाँ पर भूनेंगे। अब यहाँ पे ऐड करूँगी 2 चम्मच जीरा। जीरा हमने पहले इसलिए नहीं मिक्स किया क्योंकि जीरा बहुत जल्दी भुन जाता है, तो हमने जीरे को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है।
यहाँ पे जीरा डालने के बाद बस मैं इसको एक मिनट के लिए इस तरीके से चला ले रही हूँ और गैस का फ्लेम कर दूँगी बंद, क्योंकि पैन हमारा गर्म है और जितना हमें चाहिए उतना मसाला हमारा भुन चुका होगा। उसके बाद जब मसाला ठंडा हो जाएगा तो मैं उसको एक मिक्सी के जार के अंदर ट्रांसफ़र करके और उसका एक दरदरा सा पाउडर बना लूँगी। अब हमने जो नींबू मिर्ची में रात को नमक लगा के रखा था, मतलब 24 घंटे पहले, अब उसको हम काफ़ी अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे पहले और फिर निकाल लेंगे एक बर्तन के अंदर। तो अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का बर्तन या फिर कांच का बर्तन है इतना बड़ा, तो आप उसके अंदर निकाल लें। मेरे पास नहीं था तो मैं इसको सिर्फ स्टील के बर्तन में इस तरीके से निकाल के और जो हमने मसाले दरदरे पीस के रखे हैं वो मसाले इसके अंदर डाल ले रही हूँ। एक चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधे से थोड़ा ज़्यादा हल्दी पाउडर। अब सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है। हमारे सभी मसाले नींबू और मिर्ची के साथ काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1.5 बड़ा चम्मच ऑयल का। तो फ्रेंड्स, अचार की रेसिपी यहाँ पर डन हो गई है। अब हमने सिर्फ इसको एक जार के अंदर, जिसके अंदर हमने पहले इसको रात को डाल के रखा था, उसी के अंदर मैं इसको भर ले रही हूँ। लगभग 4 से 5 दिन बाद हम इसको खाना स्टार्ट कर देंगे, तब तक हमारा अचार जो है बनके बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। इसको धूप में रखना कोई कंपलसरी नहीं है, आप रखना चाहो तो आप रख सकते हो, बस इस बात का खास ख्याल रखें कि इसके अंदर किसी भी तरह की नमी ना जाए, नहीं तो हमारा अचार जो है वो ख़राब हो जाएगा। हमारा यह अचार जो है बनके बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर ये रेडी है और इसका कलर देखने में कितना अच्छा लग रहा है और उतना ही टेस्ट इसका काफ़ी अच्छे से बनने के बाद आएगा। लास्ट में इसके अंदर 2 चम्मच मैं चीनी की ऐड कर दे रही हूँ, जो कि नींबू के साथ मिलकर एक प्रिजर्वेटिव का काम करेगी और हमारा अचार की जो लाइफ है उसको लॉन्ग करेगी। ढक्कन बंद करके इसको काफ़ी अच्छे से हिला लूँगी मैं, काफ़ी अच्छे से इसके अंदर ये मिक्स हो जाएगी और उसके बाद इसको हम रख देंगे 3 से 4 दिन के लिए। 3 से 4 दिन बाद हमारा अचार हो जाएगा बनके रेडी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की रेसिपी अगर आप और देखना चाहते हैं या आपको मेरे चैनल पर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।